नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आज जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य छठे चरण में शिक्षक नियोजन जो किया जा रहा है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी उन्हें वैसे जगह पर भेजा जाएगा जहां शिक्षक की कमी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षक नियोजन के बाद शिक्षकों की सूची कल NIC के साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिनका चयन हो चुका है वह NIC पर देखकर सुविधाजनक स्कूल का चयन कर पाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालय का चयन पूर्ण रूप निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से किया गया है। विशेष ध्यान इस बात पर रखा गया है कि जिस विद्यालय में शिक्षक की कमी है पहले उसे पूरा किया जाएगा। जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है। इसका मुख्य बिंदु है कि जो हम लोग हैं से कि छठे चरण का शिक्षक नियोजन कर रहे हैं, उस नियोजन में शिक्षक है से कि वैसे है से कि विद्यालय में जाएं जहां पर शिक्षक कम है, उसकी हम लोग वैकेंसी तैयार कर रहे हैं। वैकेंसी है से कि रेडी हो गई है और सारी वैकेंसी कल NIC के पे है से कि अपलोड कर दी जाएगी। इससे ये होगा कि जो बच्चे जिनकी चयन हो गई है वो NIC पे है से कि वो देख लें कि कहाँ वो सुविधाजनक स्कूल वो अपने को ये कर पाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालयों का वो चयन कर पाएंगे। और हमारी है से कि विद्यालयों का जो चयन होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। सर,